हमने फिजिकल वर्ड स्टार्ट किया था लास्ट टाइम। फिजिकल वर्ड में हमने व्हाट इज फिजिक्स देखा, साइंस की क्लासिफिकेशन देखी, साइंटिफिक एटीट्यूड देखा और इसके अंदर साइंटिफिक थ्योरी। इसमें से जो मैंने आपको पढ़ाया वो पेपर के लिए आपने नहीं पढ़ना, ठीक है? ये इंट्रोडक्शन है, ठीक। नेक्स्ट, क्या चीज़ें पढ़नी है भाई, वही मार्क करना है, ज़्यादा नहीं करना। जो काम करना है बस वही मार्क करना है। इस पूरी शीट में आपको बस दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ व्हाट इज यूनिफिकेशन, सेकेंड व्हाट इज रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म, ठीक ठीक है। यूनिफिकेशन के अंदर, यूनिफिकेशन में अटेम्प्ट इज मेड टू एक्सप्लेन वेरियस फिजिकल फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट्स एंड लॉस। मतलब एक साइंटिस्ट बहुत काम करता है, छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस पे काम करता है, फैक्ट्स इकट्ठे करता है। बहुत सालों के काम के बाद वो आपको एक लॉ देता है, उसके पीछे बहुत माइन्यूट तरीके से काम किया गया, पर आपको एक लॉ देता है। और वो लॉ जो है वो एक ऐसी स्टेटमेंट है जो गलत नहीं हो सकती, हमेशा टेस्ट टेस्ट होके आई हुई स्टेटमेंट है। लेकिन काम बहुत माइन्यूटली हुआ, बताने वाला दो लाइन में बता गया, ठीक है? तो इसमें किस पे स्ट्रेस है? लॉ के ऊपर स्ट्रेस है। तो बहुत सारी चीज़ों को एक स्टेटमेंट में उसने पैक कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ सिंगल लॉ टू एक्सप्लेन एवरी मोशन इन्फ्लुएंस बाय अ ग्रेविटी। जैसे न्यूटन का लॉ बस यही बताता है नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। पर जब आप उसको लगाते हो तो कितना ही बड़ा चैप्टर बनता है, कितना बड़ा कॉन्सेप्ट बनता है, तो वो लॉ आपको ये बताता है। लेकिन अगर आप बात करते हो किसकी, रिडक्शनिज्म की, रिडक्शनिज्म उल्टा काम है, एक स्टेटमेंट की माइन्यूट लेवल डिटेल में चले जाना। जैसे ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स या ये एक मान लो प्लैनेट्स हैं और सन है, ये सोलर सिस्टम किसका बना हुआ है? तो किसने कहा कि प्लैनेट्स का बना हुआ है? प्लैनेट किसका बना हुआ है? ऑब्जेक्ट्स का बना हुआ है। ऑब्जेक्ट किसका बना हुआ है? फिर एटम का बना हुआ है। एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब सोचो कहाँ से यूनिवर्स स्टार्ट हुआ, सोलर सिस्टम आया, करते 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 एटम पे पहुंच गए। तो उल्टा काम हो गया। जो यूनिफिकेशन है वो छोटी चीज़ की को बड़ी स्टेट एक स्टेटमेंट में पैक कर देना, और जो रिडक्शनिज्म है वो बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करना। बस ये दोनों में डिफरेंस है, ये पता होना चाहिए कि दोनों का मतलब क्या है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ब्रांच ऑफ फिजिक्स में ये कोई कोर्स का पार्ट नहीं है, बस वो वैसे बता रहा है कि हम जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है वो दो लेवल में पढ़ेंगे, एक तो मैक्रोस्कोपिक, एक माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो इसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। और माइक्रोस्कोपिक बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट के लिए, इसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स में या क्वांटम मैकेनिक्स में, ये मैंने बता दिया आपको, बस इतना ही पता होना चाहिए। ब्रांचेज हैं फिजिक्स की, ये पता होना चाहिए जो हम दो साल में स्टडी करेंगे। पहली ब्रांच है मैकेनिक्स, जो कि मोशन, इक्विलिब्रियम इनके ऊपर डील करती है। तो आजकल हम क्या स्टडी कर रहे हैं क्लास में? मैकेनिक्स। सेकेंड ऑप्टिक्स, लाइट की स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, हीट की स्टडी को क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, चार्ज की स्टडी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, प्लस टू का पार्ट है। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स, फोटोन्स, प्रोटोन्स, इनके ऊपर काम करना, बहुत माइन्यूट लेवल पे काम करना, क्वांटम मैकेनिक्स। रिलेटिविटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है जिसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर की जाती है, स्पीड ऑफ लाइट जितनी तो हो नहीं सकती पर स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाती है, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम आती है। ये आखिरी ब्रांच है। तो पूरी फिजिक्स को कई ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, चार किस्म की फंडामेंटल फोर्सेज हैं पूरी नेचर में। पहली ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरी वीक न्यूक्लियर फोर्स है, तीसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और चौथी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। सबसे कमज़ोर ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके बाद वीक न्यूक्लियर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर है। तो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर है, ये याद रखना है आपने। तो एक तो यूनिफिकेशन, रिडक्शनिज्म, दो पॉइंट्स को मार्क कर लो, ये पढ़ना है। और ये पढ़ना है कि चारों की जो आपकी स्ट्रेंथ है वो वीक से स्ट्रॉन्ग कैसे जाएगी। क्लियर है?
तो फंडामेंटल नेचर ऑफ फ्यूचर दो सॉरी नेचर, तो इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दो मासेस के बीच में एग्जिस्ट करती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स में एग्जिस्ट करती है, और एलिमेंट्री पार्टिकल जैसे कि न्यूक्लियर प्रोसेस जैसे होते हैं, जैसे एक न्यूक्लियस का ब्रेक होना दूसरे न्यूक्लियस में, ये वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है। चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है जैसे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन प्रोटोन न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो बेसिकली क्या होता है वो बंधे होते हैं, अदरवाइज प्रोटोन प्रोटोन रिपेल करें एक दूसरे को, पर बांधने की जो इनको बांधने की रखने की जो फोर्स है उसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, आपने सुना होगा न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया, न्यूक्लियर वेपन चल गया, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं, अगर आपने इसको तोड़ दिया तो दुनिया भर की एनर्जी निकलेगी और डिस्ट्रॉय कर देगी, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स यही है। तो बस एक एक लाइन पता होना चाहिए, ज़्यादा इसके ऊपर आता है नहीं, ठीक है यहाँ तक।